Assalamu alaikum, I am Sayed Akbar and you are watching the 7th part of the 6th lecture of Web Design and Development course. In this lecture, I am going to show you how to use pseudo classes of CSS and what means by pseudo classes. So, pseudo classes हमारे पास CSS के ऐसी classes जिसके through हम किसी element के state को style दे सकते हैं, किसी खास element के किसी खास state पर हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिंक्स होते हैं तो लिंक का एक स्टाइल होगा। फॉर एग्जांपल कोई लिंक है उसको हमने कलर दिया है ब्लू और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है बिकॉज द स्टेट ऑफ द लिंक इज़ चेंजिंग दिस टाइम। और जब हम उसको विजिट करते हैं तो फिर हमारे पास वो लिंक जो है उसका स्टेट एक बार फिर चेंज हो जाता है। एक तो नॉर्मल स्टेट होता है, एक जब हम उसके ऊपर होवर करते हैं या हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और एक जब हम उसको विजिट करते हैं। सो ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्स है किसी खास एलिमेंट के। तो इसी तरह और भी एलिमेंट्स हैं उनके हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकते हैं। नॉर्मल एलिमेंट हो सकता है जिसके या एलिमेंट के ऊपर जब हम माउस ले आते हैं उसको कहते हैं होवर, तो होवर एक और स्टेट है। और इसी तरह जब हम लिंक विजिट करते हैं ये एक और स्टेट है। सो हाउ टू स्टाइल दीज स्टेट्स एंड फॉर स्टाइलिंग दीज स्टेट्स वी यूज़ द सीडो क्लासेस। सो देयर आर डिफरेंट सीडो क्लासेस, उसको हम यूज़ किस तरह करेंगे। सेलेक्टर लिखेंगे, सेमी कोलोन लिखेंगे और फिर सीडो क्लास लिखेंगे एंड दीज आर सीडो क्लासेस। इसके अलावा और भी है, ठीक है। आप W3 स्कूल वेबसाइट को विजिट कर दें तो वहाँ पर आपको एक फुल रेफरेंस मिलेगा सीडो क्लासेस का। सो दीज आर डिफरेंट सीडो क्लासेस, इसमें से हम कुछ देख लेते हैं। और यहाँ पर राइट साइड में मैंने लिंक स्टेट प्रॉपर्टीज लिखे हैं। मीन सीडो क्लास हम किस तरह डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ लिंक, इसका मतलब ये है कि ये क्लास जो है हम नॉर्मल एंकर टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम ये क्लास अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि नॉर्मल लिंक्स किस तरह दिखेंगे, किस तरह हम इसको स्टाइल दे सकते हैं। या उस क्लास उस नॉर्मल लिंक को जब हम क्लिक करेंगे तो उसका क्लास किस तरह उसका स्टाइल किस तरह चेंज होगा। तो ये हम किस तरह लिखेंगे, एंकर टैग के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे ए बिकॉज एंकर टैग इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए देन कोलोन एंड देन द सीडो क्लास। फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग सीडो क्लास फॉर अ विजिटेड लिंक, सो यहाँ मैं लिखूँगा विजिटेड और उसको फिर स्टाइल दूंगा। सीडो क्लासेस अप्लाई करने के लिए इस तरह करते हैं जो पिछले लेक्चर में हमने कोड किया था, उस कोड में कुछ चेंजेस करते हैं और उसमें सीडो क्लासेस अप्लाई करते हैं। सो दिस वाज द कोड, इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये उस कोड का आउटपुट था जो हमने किया था, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा, ये उसका आउटपुट है जो हमने कोड किया था। और यहाँ पर इसमें इस तरह करते हैं, एक लिंक इंसर्ट करते हैं और उस पर मुख्तलिफ सीडो क्लासेस और अकॉर्डिंगली स्टाइल अप्लाई करते हैं। सो यहाँ मैं एक एच लेता हूँ, फॉर एग्जांपल H3, और इस H3 के अंदर मैंने एक लिंक भी लेना है, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज़ जस्ट अ लिंक टू अनदर पेज, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये मेरे पास है एंकर टैग, ठीक है, एंकर लिंक है, हाइपर रेफरेंस है, एच रेफ इसको मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल https://google.com, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लिंक टू google.com, ठीक है। अभी पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास लिंक जो है इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ google.com आ रहा है और लिंक जो है इसी तरह बन जाता है। पहले इसका कलर ब्लू था और अभी इसका कलर इस तरह डार्क ब्लू बन गया या इस तरह इंडिगो टाइप बन गया, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन हो, जब मैं माउस इसको ऊपर ले आऊँ तो ये रेड हो, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल कलर ऑरेंज हो, और जब ये विजिटेड हो जाए तो कलर फिर किसी और किस्म का हो। तो इसको मैं किस तरह स्टाइल करूँगा, एंड फॉर दिस पर्पस वी यूज़ दी सीडो क्लासेस। तो सीडो क्लासेस अप्लाई करने के लिए सिंटैक्स हमारे पास ये है, ठीक है, कि हम सेलेक्टर लिखेंगे, फिर सीडो क्लास लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। सो फर्स्ट सीडो क्लास यहाँ अप्लाई करते हैं इन लाइन स्टाइल में, यहाँ ए, ठीक है, कोलोन, और मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल लिंक का कलर जो है ग्रीन हो। तो यहाँ जस्ट फिलहाल मैं सिर्फ ग्रीन कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ हम लिखेंगे कलर और ग्रीन। आप और भी इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ए लिंक
अच्छा एंकर लिंक है हमारे पास, ठीक है ग्रीन, ओके। एक बार हमने इसको विजिट किया है इसलिए हमारे पास इस तरह आ रहा है। अगर मैं इस अपनी फाइल को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर दूँ तो ये आपको ग्रीन दिखेगा, ठीक है। वहाँ पर क्यों इस तरह इंडिगो कलर का आ रहा था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उस पर विजिटेड कलर जो है इंडिगो अप्लाई है। अभी आपको समझ आएगी। मैं इस तरह करता हूँ, इसको एक और सीडो क्लासेस के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, कि जब किसी एंकर टैग पर कोई किसी एंकर टैग को कोई विजिट कर दें, विजिटेड, तो इसके कलर को आप फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कर दें, रेड। अभी देखें नॉर्मल विंडो में ही आपको रेड नज़र आएगा, ठीक है, ठीक है। इस बार मैं इसको विजिट करता हूँ, फिर वापस आते हैं तो ये हमारे पास रेड नहीं हुआ, विजिटेड, और सॉरी सॉरी मैंने कलर गलत से स्टाइल मैंने गलत अप्लाई किया है, ठीक है। सो कलर इक्वल टू रेड, ठीक। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास एक बार हमने नॉर्मल विंडो में इसको विजिट किया तो इसलिए हमारे पास अभी ये रेड आ रहा है। इनकॉग्निटो विंडो में फ़िलहाल हमने इसको विजिट नहीं किया है, ठीक है, तो इस यहाँ पर ये हमारे पास ग्रीन होगा, ठीक है, तो अभी ग्रीन आ रहा है। इसके साथ साथ मैं इस पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ होअर का, ठीक है, सीडो क्लास होअर, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कलर देता हूँ कलर ब्लू, ठीक है। हुअर का मतलब क्या होता है कि कोई उसके ऊपर माउस ले आए तो इसका कलर चेंज होता है। देखिए मैं जब माउस ले आता हूँ तो कलर ब्लू हो जाता है, इनकॉग्निटो विंडो में भी इसी तरह होगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ब्लू, ठीक है। इसके अलावा हम विजिटेड लिंक, अच्छा ये हमारे पास स्टेट लिंक के स्टेट प्रॉपर्टीज़ है या स्टेट क्लासेस है फॉर लिंक्स, ठीक है, कि हम इसको स्टाइल दे सकते हैं। नॉर्मल हमारे पास किस तरह होगा, जब माउस इसके ऊपर आएगा होवर तो इसका स्टाइल किस तरह होगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका स्टाइल किस तरह होगा, और जब हम इसको विजिट करेंगे तो इसका स्टाइल किस तरह का होगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको जब विजिट किया तो हमारे पास इसका स्टाइल जो है रेड हो गया, बिकॉज वी हैव डिफाइंड द स्टाइल हेयर लिंक विजिटेड होवर, लिंक विजिटेड हुआ और एक्टिव। एक्टिव का मतलब जब इसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लास भी अप्लाई करते हैं एक्टिव, और इसको कलर कौन सा देंगे तो कलर इसको दे दे फॉर एग्जांपल ग्रे कलर। सो ग्रे कलर हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर दे तो देखिए जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये ग्रे बन जाता है, ठीक है, दिस इज़ क्लिक, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल एक किस्म का होगा जब क्लिक करते हैं, दूसरी किस्म का होगा जब होवर करते हैं, किसी और किस्म का होगा स्टाइल, और जब विजिट करते हैं तो किसी और किस्म का होगा। तो अगर आपने इस किस्म के मुख्तलिफ स्टेट्स के ऊपर किसी एलिमेंट के स्टेट्स के ऊपर आपने डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना हो तो आपने सीडो क्लासेस यूज़ करने होंगे। इसके अलावा हमारे पास फोकस है तो फोकस हम यूज़ करेंगे विद फॉर्म्स, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ये हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं ये विद, यहाँ हमारे पास हाँ यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ लिस्ट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक सीडो क्लास अप्लाई करता हूँ कि यू एल में जो मेरे पास फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट डेट चाइल्ड, उस पर ये स्टाइल अप्लाई करता है। स्टाइल क्या स्टाइल अप्लाई किया, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कलर जो है वो ग्रीन हो, ठीक है, तो यू एल में फर्स्ट चाइल्ड जो है वो ग्रीन होगा, ठीक है, ये तो सारी ग्रीन हो गई, सॉरी ये यू एल नहीं, यू एल के अंदर ओ एल होता है, सो यू एल एल आई सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास ग्रीन आ रहा है, ये भी ग्रीन आ रहा है, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा तो हम इस तरह करते हैं इसको कलर रेड देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट एल आई है वो रेड होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि लास्ट एल आई जो है वो ब्लू हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने वो सीडो क्लास लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ओ एल के अंदर जो एल आई है, ठीक है, और कौन सा वाला लास्ट, सो लास्ट डेड चाइल्ड, और इसको कलर देते हैं ब्लू, ठीक है। तो सिर्फ ओ एल के अंदर जो है हमारे पास लास्ट चाइल्ड का ब्लू होगा और यू एल के अंदर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ यू एल, दिस इज़ ओ एल, और फिल इसी अभी जो है हमने सिर्फ ओ एल के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ओ एल के अंदर जो हमारे पास एल आई है। इसी तरह आप किसी ख़ास एलिमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यू एल के अंदर जो एल आई है कौन सा एल आई, तो यहाँ मैं लिखता हूँ nth डैश चाइल्ड
कौन सा nth चाइल्ड, मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल फोर्थ चाइल्ड जो है उस पर ये अप्लाई हो, ठीक है। कौन सा स्टाइल अप्लाई हो, तो फॉर एग्जांपल उसका कलर जो है वो ब्राउन, ठीक है। तो इसे रिफ्रेश कर दे तो देखे इसका कलर ब्राउन हो गया। तो इसी तरह आप किसी एलिमेंट के अंदर जब हमारे पास मुख्तलिफ सेम एलिमेंट आते हैं तो उस में आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड या nth चाइल्ड पर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई हो, तो आप कर सकते हैं यूजिंग सीडो क्लासेस। सो दिस वाज हाउ टू यूज़ सीडो क्लासेस इन सीएसएस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।